नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं और वक्त भारत एट 9 का हो गया है। मैं काजोल नारायण आज इस खास शो को होस्ट कर रही हूं। देखिए, भारत एट 9 ये हमारा वो खास शो है जिसमें हम ऐसे मुद्दों को एनालाइज करते हैं जिसका सीधा संबंध आपसे होता है। वैसे तो दिन भर देश विदेश की तमाम खबरों पर आपकी और हमारी नजर बनी रहती है, लेकिन भारत एट 9 में हमारा मकसद होता है कि हम आपको उस सच्चाई से रूबरू कराएं जिसका सामने आना जरूरी है। और आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, यकीन करना मुमकिन नहीं है कि साधु का चोला पहनने वाले के विचार और सोच भी कैसी हो सकती है। पहले जब इस वीडियो के बारे में मैंने सुना तो यकीन कर पाना मुश्किल था। ये तो मैं जानती थी कि ये साधु, ये सन्यासी मुसलमानों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि अपनी दकियानूसी सोच में ये महिलाओं और बच्चियों को भी घेर लेंगे। लेकिन वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता गया, FIR भी हुई है, कार्रवाई भी होगी, फिर तमाम टिप्पणियां भी आनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, इन साधु की गिरफ्तारी की मांग तक होने लगी है। देखिए, ये वीडियो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1 या 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। जब मैंने इस वीडियो को देखा और सुना तो मानो इन साधु संत के शब्द जो है वो मुझे तीर जैसे चुभ रहे हों, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं। बहुत से लोग होंगे जो ये शो देखने के बाद ये कहेंगे कि फिर से फेमिनिज्म का बहाना लिया जा रहा है। तो आपसे निवेदन कर रही हूं, ये शो मैंने सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए बनाया है, और महिलाओं की जगह अगर पुरुषों के लिए भी ये वीडियो होता तब भी मैं इसी गुस्से के साथ और इसी आवेश के साथ सच्चाई आप तक पहुंचा रही होती। आज एक ऐसी शख्स का मुखौटा मैं उतारने जा रही हूं जो मां जगदम्बा के मंदिर में बैठकर महिलाओं को अपशब्द कह रहा है, जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती है उनका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, वो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कॉलेज जाती हैं। क्या ये शब्द किसी महंत के मुंह से निकलने चाहिए? नहीं। जो ये कहते हैं कि राजनीति पार्टियों में जो महिला नेता हैं, वो किसी ना किसी की, छी, मुझे शर्म आती है शब्द बोलते हुए, ये शब्द बोलते हुए मेरी आंखें झुक जाती हैं कि एक महंत ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा भी कह सकता है। मैं नहीं बोल सकती ये शब्द, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये वीडियो अब तक देख लिया होगा और सुन भी लिया होगा, तो वो लोग वाकिफ होंगे कि यहां किस शब्द को मैं नहीं बोल पाई हूं और यहां किस शब्द को मैं नहीं सुनाना चाहती। मैं बात कर रही हूं गाजियाबाद के फेमस दासना मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता स्वामी यति नरसिंहानंद की। नाम तो आपने सुना ही होगा। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखा दूं और सुना दूं, लेकिन कुछ शब्द इस वीडियो के ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं सुना सकती। चलिए पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए साधु का मुखौटा किस तरह से उतरता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से बहरूपी का पर्दाफाश हो रहा है। एक एक शब्द आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ शब्द मैं पहले ही बता रही हूं कि कुछ शब्द मैं नहीं सुना सकती। महाराज हमारी सुन लो, पहले दो बात को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अमूल्य ज्ञान तो दुनिया में कहीं नहीं। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रही थी ना, वो किसी एक नेता हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, और अलग बात। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार समाजवादी पार्टी वालों की, तो उन्होंने औरतों के बारे में यही किसी और की है तो वो किसी और की है, मतलब ये भी कि सबकी है, एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई, तो वहां जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता, वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा, मतलब चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती थी, राजनीति में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चंद्रवा लोगों की सरकार, अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है अगर एक नेता के पास गई
तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर कर मतलब ये है। अब ईमानदार और चैतवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। पूरा मजा आ रहा है, पूरा मजा। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना रही है, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा। एक तो हम हिंदुओं की समस्या ये है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, और सच्चाई को स्वीकार ना करने के कारण सारा सत्यानाश कर देते हैं, सारे गुड़ का गोबर कर देते हैं। आज की सच्चाई ये है कि हमारी हर बेटी कॉलेज में जाते ही एक बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है। अब बहुत सारे नैतिकतावादी कहेंगे कि देखो सन्यासी होकर कितनी गंदी बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं सच्चाई का वो पहलू जो कोई बताता नहीं है। हमारी जो बहन, हमारी जो बेटी कॉलेज में जाती है या कहीं कंपनी में जाती है, उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है। अब यदि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची किसी हिंदू को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है तो हिंदू भी उसे परेशान करते हैं, मुसलमान भी परेशान करते हैं। वही वह लड़की यदि किसी मुसलमान लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है तो ना उसे हिंदू परेशान करते हैं ना मुसलमान परेशान करते हैं, क्योंकि हिंदुओं में तो इतनी ताकत नहीं रही कि वह मुसलमानों से कुछ कह सके या उनकी गर्लफ्रेंडों से कुछ कह सके। हाँ, हिंदू की गर्लफ्रेंडों को या हिंदुओं से खूब लड़ सकते हैं वो, लेकिन मुसलमानों की गर्लफ्रेंडों से हिंदू कुछ कह दे, इतनी ताकत हिंदुओं में रही नहीं है। और मुसलमान एक दूसरे के साथ सारी हमारी बहन बेटियों को मिल बांट कर खाना चाहते हैं, और वो अपने आदमी का कद बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां, ज्यादा से ज्यादा पंछी उनके जाल में फंस सके। लड़की अपने आप को सम्मानित महसूस करती है, हिंदू की बेटी अपने आप को मुसलमान की गर्लफ्रेंड बनने के बाद सम्मानित महसूस करती है। उस दिन तक, जिस दिन तक वो सूटकेस में बंद लाश के रूप में, सड़ी गली लाश के रूप में, या किसी नहर में, या कुत्तों का भोजन नहीं बन जाती, तब तक वो शांत से रहती है कॉलेज में। ऐसे ही कंपनियों में होता है। ये जनाब अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें कहते दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो हमने आपको दिखाया, अब बीजेपी के नेताओं सहित कई लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और एफआईआर भी कई जगह पर हुई है। 2 या 3 एफआईआर की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। अगर आपको इस वीडियो में इनके जनाब के कुछ शब्द समझ नहीं आए तो चलिए मैं आपको बता दूं, जितना बता सकती हूं मैं फिर दोहरा रही हूं कि जितना मैं बता सकती हूं सिर्फ उतना ही बताऊंगी। वायरल वीडियो में यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहे हैं, सुनो यह मूल ज्ञान कहीं दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगा। राजनीति में जो महिलाएं दिखाई पड़ती थी वो किसी ना किसी एक नेता की, यहां इस शब्द को मैं छोड़ रही हूं, ये ना मैं बोल सकती हूं और शायद आप सुन भी ना पाए, हुआ करती थी, या फिर किसी बड़े नेता की बेटी बहन या बहुपत्नी। उसके बाद आई समाजवादी पार्टी वालों की सरकार, वहां भी महिला किसी एक की ही होती थी। फिर आई मायावती की सरकार, ये औरतों वाला मामला उनकी सरकार में नहीं चलता था। वहां कोई भी नेता किसी भी औरत को टिकट नहीं दिलवा सकते, ना वादा कर सकते हैं कि मैं तुम्हारी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चले कि बहन जी ने उसका ही टिकट काट दिया। ये शब्द हैं एक महंत के। इसके बाद आई ईमानदार सरकार, ईमानदार सरकार, समझ रहे हैं आप कि यहां किस सरकार की बात हो रही है, और बहुत चरित्रवान लोगों की सरकार। आप फिर से समझ गए होंगे कि यहां किस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, निशाना किया जा रहा है। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया है 10% खुला रेट, और जितने भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं वो एक नेता के पास गई हैं, और दूसरे के पास नहीं तो दूसरा उसका काम नहीं करेगा। ये शब्द एक महंत के, एक संत के हैं, जो 24 घंटे माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा की
आरती करते, पूजा अर्चना करते नहीं थक रहा है, वो महिलाओं के लिए ये शब्द अपने मुंह से निकाल रहा है। तीसरे से काम है तो तीसरे के पास जाना है। अब ये है ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति। इनके तीर से चुभते शब्द यही नहीं रुके, आगे क्या कहते हैं वो भी मैं आपको सुना देती हूं। जितनी महिलाएं दरअसल राजनीति करती घूम रही हैं, पूरा मजा आ रहा है। शब्द सुनते जाइएगा और एक एक शब्द पर गौर करिएगा। मैं कह तो कुछ नहीं सकता, मातृशक्ति है, मैं मातृशक्ति को प्रमाण करता हूं, माफ कीजिएगा, मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति को ये प्रणाम करते हैं और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये क्या कहते हैं आप सुन ही रहे हैं पिछले कई मिनट से। मैं पितृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं, वो तो सबके बाप वही है, वो तो सरकार चला रही है और जो इस देश के साथ हो रहा है उसके लिए भारत माता तुम्हें प्रणाम करता हूं। भारत माता का जिक्र कर रहे हैं, मातृशक्ति का जिक्र कर रहे हैं, पितृशक्ति का जिक्र कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद जी, क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है? आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे चैनल को आपने इंटरव्यू भी दिया है कितने बार, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था। हमें ये तो पता था कि आप मुसलमानों से चिढ़ते हैं, आप सनातन धर्म से हैं। क्या सनातन धर्म में ये लिखा हुआ है कि एक महिलाओं के लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करें, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कॉलेज जा रही हो या फिर वो नौकरी कर रही हो? आपको किसने हक दिया है ये बोलने का? अपने आप से आप महिलाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? आप होते कौन है महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? और ये पहली बार नहीं है जब जब यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान दिया हो, वो पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शंस आने लगे हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा और यूपी पुलिस से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, यूपी पुलिस जो इनकी सुरक्षा में लगी रहती है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कड़ी आलोचना की है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने भी ट्वीट कर यति नरसिंहानंद को जेल में डालने की मांग की है। ट्वीट आप मेरे बगल में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। यह आवाज उठाने का सिलसिला यही नहीं रुका है, आगे और भी तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। ट्वीट आप देखते जाइए, आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आवाज उठाई जा रही है। भगवा धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता, संत बनने के लिए सनातन धर्म या पद्धति को अपने मन मस्तिष्क में उतारना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं या मातृशक्ति के लिए निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करता है तो मेरा मानना है कि उसे इलाज की आवश्यकता है और मानसिक सोच बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध दो FIR पंजीकृत हुई है। दोनों ही अलग अलग घटनाएं थी जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी, तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था। इस पर महिला आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी और उसमें FIR इसमें पंजीकृत की गई है, आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो ये सब देखा आपने, ये है एक भगवाधारी साधु। जो साधु कम लग रहे हैं, महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले ज्यादा लग रहे हैं। वैसे तो भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, बच्चियों को पूजा जाता है, नवरात्रे दो बार आते हैं साल में और ये दिन ऐसे होते हैं तब आप छोटी छोटी बच्चियों को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन कितने बलात्कार इस देश में हो रहे हैं ये किसी से छिपे नहीं है। कई बार तो ये कह दिया जाता है कि फेमिनिज्म का बहाना है, फेक रेप है, ऐसे तमाम कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे। लेकिन क्या हर एक रेप फेक होता है? मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष सही नहीं है, पुरुष सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं जो दोहरे चेहरे के होते हैं वो उन लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और शायद यति नरसिंहानंद जी उन लोगों में से ही है जिन्हें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे तो इनकी घटिया सोच कभी उजागर नहीं होती, लेकिन सच चिंतित हो सकता है, पराजित उसे नहीं कर सकता कोई। आपने कई बार इन्हें कई चैनल्स को इंटरव्यू देते और मुस्लिमों को गलियाते देखा होगा, लेकिन इनके घटिया मानसिकता इस हद तक गिर जाएगी ये शायद कभी किसी ने ना सोचा हो। ये मैंने भी नहीं सोचा था और मेरी सहयोगी जो यहाँ इंटरव्यू करने गई थी इनका, उसने भी नहीं सोचा होगा। मेरे एडिटर इन चीफ चैनल के जो गए होंगे उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। मेरे डिप्टी एडिटर जो गए थे इनका इंटरव्यू करने के लिए उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इनकी सोच क्या है वो आज उजागर हो रही है। ये सच कभी सामने नहीं आता लेकिन आ ही गया। दरअसल यति नरसिंहानंद सरस्वती जी
क्या वाकई इनके नाम के सामने जी लगाया जाना चाहिए? खैर, ये किसी वीडियो के लाइव के लिए बैठे थे और उसके पहले ही वो ये सारी बातें कर रहे थे जो वहां किसी मौजूदा व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो वैसे तो 4 जुलाई का बताया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 2 या 3 दिन पहले पुराना है, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं अब आपको बता रही हूं। 4 जुलाई का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन वायरल ये 2 दिन पहले हुआ है। आगे अब FIR हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, आवाज उठाई जाएंगी। लेकिन मैं एक महिला होने के नाते ये पूछना चाहती हूं कि ये होते कौन है महिलाओं को लेकर ऐसे शब्द बोलने वाले? लड़कियों के बारे में देखिए, हर चीज में फेमिनिज्म नहीं होता, कुछ मुद्दे कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिन पर बोलना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। प्रियदर्शनी जिसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, जो पुरुष आयोग बनाने की बात हो रही है, पुरुष जो है वो झंडा लेकर निकल गए हैं कि प्रियदर्शनी को सजा होनी चाहिए। मैं मानती हूं प्रियदर्शनी गलत थी, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या ऐसे लोग गलत नहीं हैं? क्या यति नरसिंह दंड जैसे लोग गलत नहीं हैं जो एक गलत रास्ता एक पूरे समाज को दिखा रहे हैं? प्रियदर्शनी ने जो किया वो सरासर गलत है। इसको लेकर महाअभियान भी Bharat@9 में लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन हम इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते जो इन महान व्यक्ति ने कहा वो गलत नहीं है। अगर कोई लड़की गलती करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन साधु के भेष में भगवाधारी इन बहरूपियों से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। महिलाओं के ऊपर दिए गए बयान जो कि निहायत ही घटिया और निंदनीय है, ये किसी भगवाधारी व्यक्ति किसी संत के बयान नहीं हो सकते। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारा हिंदुस्तान नारी की पूजा करता है और हम विश्वास रखते हैं कि नारी हमारी मातृशक्ति है। उसके ऊपर यह उपहासपूर्ण बयान, ये कहीं से ये मानसिक दिवालियेपन का की पराकाष्ठा है। ये स्वामी जी का बयान जो भी हो, ये स्वामी जी का बयान बहुत ही घटिया और निंदनीय है। इनकी सोच निहायत निम्न दर्जे की है। इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मानवाधिकार और महिला आयोग के द्वारा इनको गिरफ्तार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कोई भी इस देश का संत इस तरीके का अपमानजनक घृणात्मक बयान महिलाओं के प्रति नहीं दे सकता। अगर वो दिया भी तो देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये निंदनीय बयान है, मैं इसकी बहुत ही कड़ी भर्त्सना करता हूँ। आज जो यतिनंद महाराज जी का बयान आया, टिप्पणी आई है महिलाओं के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसके खिलाफ हूँ, उसका विरोध करती हूँ। और मुझे लगता है कि आज के समय भी अगर कोई पुरुष ऐसी मानसिकता रखता है महिलाओं के लिए, तो ये बहुत बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि यतिनंद महाराज जी बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए मुझे उनसे एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करेंगे जो आज से पहले अभी सुबह ही किसी मौलाना ने भी ऐसे बयान किया औरतों पर, तो मैंने उसको जमकर विरोध किया। और मुझे लगता है ऐसी मानसिकता के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। और हैरानी होती है कि यतिनंद महाराज ने भी ऐसी बात कही है महिलाओं के लिए, तो ये बहुत शर्मनाक है। महिला आयोग को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि ये क्या सोचते हैं। देखिए, मैं यहाँ चीखना चिल्लाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब बात ऐसी होती है तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप ही इस तरह से बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार हमने यति नरसिंहानंद से बातचीत की है, ये तो पता था कि मुसलमानों को लेकर ये हमेशा नफरत ही उगलते हैं। और कहीं ना कहीं इनके इंटरव्यूज पर तमाम ऐसे कमेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि यति नरसिंहानंद जी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये महिलाओं को लेकर भी इतनी ओछी मानसिकता रखते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने प्रियदर्शनी को जेल भेजने को लेकर आवाज उठाई है, वैसे ही इनके खिलाफ आवाज उठाएं। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूं कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी दी जा रही है जो खुद साधु के भेष में राक्षस है, जो दिन रात सनातन धर्म की बात करता है। क्या सनातन धर्म ये नहीं सिखाता? सनातन धर्म ये सिखाता है कि महिलाओं की इज्जत करिए, महिलाओं को लक्ष्मी दुर्गा माना जाता है, पूजा जाता है। वहां ऐसे साधु मौजूद हैं जो अपनी बातों से महिलाओं को हर दिन नोचते खसोटते हैं। लेकिन अब बस आवाज उठाइए और ऐसे साधुओं को
पर्दाफाश कीजिए। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे भारत एट नाइन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।